Ladies and gentlemen, it is my absolute honor, a privilege to welcome Avadh Ojha sir to join An Academy with us from today onwards. बनाओ, बहुत अच्छी बात है, सुन लो इसको। सुबह उठो, 2 घंटे का टारगेट बनाओ। तुम्हारा मन क्या कहा? 2 घंटा अभी खत्म हो जाएगा। हाँ, होने दे खत्म। तुम्हारा मन पता क्या कहता है? कहता बड़े बड़े टारगेट बनाओ, मजा आना चाहिए सुन के। तो तुम तुम्हारा टारगेट कितना बनवाएगा कि आज 13 घंटा पढ़ेंगे। अब मजा तो बहुत आया फील करके कि 13 घंटा, 45 मिनट में उठा देगा तुमको। तुम प्रोग्राम बनाओ डेली 2 घंटे का कि 2 घंटा पढ़ेंगे आज, 2 घंटा पढ़ेंगे। वो 2 घंटे खत्म करो, कोई प्रेशर नहीं है तुम्हारे ऊपर। उस 2 घंटे में चीज खत्म करो, फिर एक्सटेंड कर दो कि 2 घंटा और पढ़ लेते हैं यार। ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा ना, तुम पलट कर इसको बनाओ। तुम पढ़ो डेली 7-8 घंटे, 10 घंटे, पर टारगेट बनाओ सिर्फ 2 घंटे का। तो जब तुम 2 घंटे का टारगेट बना के 7 घंटे पढ़ोगे, एवरी डे तुम्हारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि वे 3 घंटे का टारगेट था, आज तो 8 घंटे पढ़ लिए। अभी क्या होता है, 13 घंटे का टारगेट में तुम 4 घंटे में कोलैप्स कर जाते हो, एवरी डे डिमोरलाइज होते हो। हाँ, अभी तुम्हें क्या करना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है। छोटे टारगेट बनाओ, उसको पूरा करो, सरप्लस में चले जाओ, और 2 महीने बाद कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। जितना मन चाहे उतना पढ़ो। तुम प्यार कर लो किसी से और प्यार में धोखा मिलता ही है, वो नेचुरल फिनोमिना है। और इतनी आग तुम्हारे अंदर लग जाएगी कि तुम कंसिस्टेंसी पे ही चलो। देखो ए, 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 ए। देखो मैं तुम्हारे, सुनो सुनो मेरी, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मैं बताऊं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें तुम बाहर से कुछ भी नहीं ले सकते। बाहर की जो दवाई होगी वो हमेशा अच्छी तो लगेगी सुनने में, काम नहीं आएगी। इसलिए तुम्हारी चैलेंज है ये, तुम इसका सोल्यूशन निकालो। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो सुनने में बहुत अच्छी हैं, डिसिप्लिन उनमें से एक है। जैसे इसने पूछा ना, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन, मैंने क्या कहा पहला लाइन कि इस पर प्रवचन देने में बड़ा अच्छा लगता है। जो फॉलो करता है ना उसे ही पता चलता है कि डिसिप्लिन चीज क्या है। इसलिए पहली लाइन मैंने यही बोली कि यार बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा, प्रवचन वाला क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके जवाब सुनकर तुम्हें अच्छा बहुत लगेगा, पर तुम अपनी दवा इवॉल्व करोगे तो तुम्हें सूट करेगी। तुम्हारा चैलेंज है तुम ही सॉल्यूशन निकालो कि क्या करना है। ध्यान मतलब अपने मन को देखना, यही तो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। ये आज मैंने इस मुद्दे को जानबूझ के छोड़ दिया था। ध्यान, भारत की सबसे बड़ी चीज, तुमको घूमना हो तैयार है, पार्टी करना है तैयार है, तुम देखो कुछ चीज में हमेशा तैयार है। तुम इससे को पढ़ना है, कहेगा कल, मना नहीं करेगा, कहेगा कल। कल आज बारिश हो रही है, अब ये नहीं कहेगा कि बारिश हो रही तो आज 18 घंटा पढ़ेंगे, नहीं नहीं, आज बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से चिकन बना लेगा 4 घंटा, बारिश होने पे दारू पी लेगा, पार्टी कर लेगा, कहेगा वो बाहर राइडिंग कराए। लेकिन बारिश होने पे ये नहीं कहेगा कि आज बारिश हो रही है, आज 18 घंटा पढ़ेंगे। तुम देखो जितनी पॉजिटिव बातें तुम्हारी जिंदगी को बनाती है ना, उसको ये टालता है। योगा शुरू करना है कल, टुमारो इज द बेस्ट वेपन फॉर माइंड टू बिफूल ह्यूमन बींग। उस टुमारो से तुम्हें बचना है और अपने ऊपर ध्यान देना है। एक फ्लाइट है देहरादून से दिल्ली के लिए, वो 8 बजे है सुबह, और देहरादून का जो एयरपोर्ट है वो शहर से बहुत बाहर है, 50 किलोमीटर, 50। और मैं रुका हुआ था प्रेमनगर के आसपास, तो लोगों ने कहा कि साहब आ जाओगे,
अरे मैंने कहा यार तुम टिकट करा दो, टेंशन मत लो, मुझे उठना है, मैं डिसाइड करूंगा, ये थोड़ी डिसाइड करेगा। तुम देखो अगर तुम्हारी जिंदगी के बहुत सारे फैसले ये डिसाइड करता है तभी तुम परेशान हो। तुम डिसाइड करो ना, तुम्हें कितने बजे उठा है, तुम्हें कितने घंटे पढ़ना है, तुम्हें किसके साथ रहना है, तुम डिसाइड करोगे, दूसरा क्यों डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करता है, ये तुम्हारी बात को काट देता है और सपने बहुत बड़े बड़े दिखाता है। सपने तो तुमको ये इतने बड़े बड़े दिखाएगा कि ये कर डाले वो कर डाले, जब करने का बारी आएगी फिर क्या कह रहे हैं आईएएस बनना, कोई मोदी जी आईएएस थोड़ी हुए थे। पर इस मुद्दे में मैं किसी अच्छा मुद्दा है और बड़ा मुद्दा है तो किसी और दिन इस पर डिस्कस करेंगे, आज हम लोग का टाइम भी हो गया। नहीं तो एक काम करो ना, देखो कंसिस्टेंसी टूटने की दो वजह होती है, पहली वजह जरूरत से ज्यादा इलास्टिसिटी प्रोसेस। जब तुम पहले दिन वॉक करते हो तो तुम 2 किलोमीटर मैक्सिमम करोगे, बहुत अच्छी कंपनी साथ में चल रही तो 3 कर ले जाओगे, 4 कर ले जाओगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। लेकिन ठीक एक महीने बाद तुम 20 किलोमीटर की वॉकिंग कर रहे होगे, तो एनर्जी तो तुम्हारे अंदर थी, उसको तुमने ग्रो किया। और एक दिन में अगर तुम 20 किलोमीटर चल गए तो फिर 15 दिन आईसीयू में रहोगे। कुछ लोग की आदत होती है ना, वो पहले दिन सारा काम कर लेना चाहते हैं। से हमारे दोस्त हैं तो बाबा रामदेव को सुन रहे थे, तो बाबा बता रहे थे कपाल भाती इंक्रीजेस शाइनिंग एंड स्टेमिना पावर स्ट्रेंथ वाइटलिटी। उनको लगा कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त चीज है, पहले दिन कर लिए 2 घंटा कपाल भाती, किडनी पलट गई। स्लो, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, आराम से। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। तुमने बहुत चीजें जीवन में सीखी, साइकिलिंग सीखा, धीरे धीरे सीखा, जो भी तुमने सीखा सब धीरे धीरे सीखा। तो जब तुम यहां आए हो तो तेजी से सीख लोगे, नहीं कर पाओगे। वेट, थोड़ा सा रुको, घबराओ मत, पैनिक मत हो, दूसरे की मत सुनो। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से रखो, तुमको क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे घूमना, ये सब तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए। जिंदगी में कभी पढ़ाया नहीं और ना पढ़ाते हुए भी पढ़ाने की फील्ड में, बस सिर्फ तुम एक ही काम कर सकते हो, खुद को बदल सकते हो, और जो काम तुम कर सकते हो बस वही करो।